हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉली ब्यूटी टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने जा रही हूँ वो आपकी स्किन से रिलेटेड है। गर्मी का मौसम है, कई बार क्या होता है, सर्दी भी होती है अगर मौसम चेंज होता है। मतलब कि जब मौसम चेंज होता है तो अक्सर आपने देखा होगा खांसी, जुकाम, बुखार, बहुत कुछ हो जाता है। और इन सब के साथ एक समस्या कई बार ये भी आती है कि हमें खुजली हो जाती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मौसम जब चेंज होता है तो एक एलर्जी जैसे होती है, ऐसे हो जाती है बॉडी में, यानी स्किन पे। तो इसके कई कारण होते हैं। कई बार क्या होता है कि स्किन जो है बहुत ड्राई होती है, उस वजह से खुजली होनी शुरू हो जाती है। और कई बार क्या होता है कि जैसे हम शरीर को अच्छे से, अपनी स्किन को साफ नहीं करते, तो उसकी वजह से भी कई बार, यानी डस्ट वगैरह की वजह से भी कई बार हमें खुजली हो जाती है। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं आपको आज बहुत ही इजी घरेलू नुस्खा जो है बताने जा रही हूँ, कुछ नुस्खे जो आप यूज़ करो तो आपकी जो ये समस्या है दूर हो सकती है। उम्मीद है आपके लिए ये मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए हम बताना स्टार्ट करते हैं। लेकिन बताने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास मेरी नोटिफिकेशन जो है ना वो टाइम से जल्दी पहुँचे और आप इजी से इजी रेमेडी का फ़ायदा उठा सकें। तो इसके लिए हम लेंगे एक नींबू। नींबू के अंदर विटामिन सी जो है बहुत अधिक मात्रा में होता है और विटामिन सी जो है वो हमारी स्किन को अच्छे से साफ करता है, यानी डीप क्लिनजिंग करता है, बहुत अच्छे से साफ करता है। तो अगर हमारा डस्ट के लिए या इस चीज़ के लिए धूल मिट्टी जैसे होती है या गंदगी की वजह से हमें खुजली होती है तो बहुत ही अच्छे से ये ठीक हो जाती है। अगर आप एक नींबू को काट के आप उस जगह पे हल्का हल्का रब करें जहाँ पे आपको खुजली हो रही है, तो उससे आपकी खुजली जो है बहुत ही ज़्यादा आपको रिलैक्स मिलेगा। तो उसके बाद आता है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो होता है वो भी हमारी स्किन को थोड़ा ऑयली करता है। जैसे कई बार स्किन ड्राई होती है ना, तो स्किन ड्राई होने की वजह से भी हमें खुजली होने लग जाती है। तो आप कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं, उससे हमारी स्किन जो थोड़ी ऑयली हो जाती है। उसके अंदर आप कपूर हल्का सा पीस के, कपूर की टिक्कियाँ होती है ना जो, वो हल्की सी पीस लो, पाउडर बना लो, उसे कोकोनट ऑयल में डाल लो, वो लगाओ, तो भी आपकी रैशेस या खुजली जो है वो दूर हो जाती है। तो इसके बाद आता है तुलसी के पत्ते। अक्सर तुलसी हर घर में होती है लगी हुई। तुलसी के पत्तों में भी एंटी बैक्टीरियल तत्व पाए जाते हैं, तो आप तुलसी के पत्तों को पीस लें, अच्छे से क्रश कर लें, पीस लें, उसको आप खुजली वाली जगह पे लगा लें तो भी आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। उसके बाद आता है हमारा एलोवेरा। एलोवेरा भी आपने देखा कि प्लांट्स जो हैं बहुत ही तकरीबन हमें मिल जाते हैं, आम घरों में लगे होते हैं। तो आप एलोवेरा को काटें, उसका पल्प निकालें, उसके पल्प को आप खुजली वाली जगह पे रब कर लें, तो उससे क्या होता है हल्की हल्की नमी आती है, तो ड्राइनेस उससे भी ख़त्म होती है हमारी, तो उससे भी हमें खुजली के अंदर बहुत राहत मिलती है। तो ये बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं जो कि आपको बाजार नहीं जाना पड़ेगा, घर में ही आपको मिल जाएंगी ये चीज़ें। इन चीज़ों से आप अपनी खुजली को दूर कर सकते हैं, यानी आप उससे राहत पा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए ये वीडियो। तो आप इसे ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस, अगर आपको है कुछ ऐसा तो आप इसे ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस में से शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ। ओके, टेक केयर, बाय।